हेलो दोस्तों, रीडर्स पॉइंट में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और आज हम भारत के 7 पवित्र स्थानों में से एक देवभूमि हरिद्वार के पौराणिक महत्व पर प्रकाश डालेंगे। हरिद्वार को ईश्वर का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, जिसे मायापुरी, कपिला, गंगाधर के रूप में भी जाना जाता है। विष्णु पुराण में हरिद्वार को मायापुरी कहा गया है और आज भी हरिद्वार के एक भाग को मायापुरी के नाम से जाना जाता है। यहां आपको यह भी बताते चलें कि यह देवभूमि चार धाम अर्थात बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री के प्रवेश के लिए एक केंद्र बिंदु है। यहीं से भगवान विष्णु एवं भगवान शिव के तीर्थ स्थान का रास्ता जाता है, इसीलिए इस जगह को हरिद्वार तथा हरद्वार दोनों ही नामों से संबोधित किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि महान राजा भागीरथ गंगा नदी को अपने 60,000 पूर्वजों की को मुक्ति प्रदान करने के लिए स्वर्ग से पृथ्वी तक लाए थे। जब गंगा भगवान शिव की जटाओं से होते हुए हरिद्वार पहुंची, तो महाराजा सगर के पौत्रों, जो कपिला ऋषि के श्राप से भस्म होकर अवशेषों में परिवर्तित हो गए थे, उन्हें गंगा के स्पर्श मात्र से ही मोक्ष प्राप्ति हो गई। तब से ही हरिद्वार में अस्थि विसर्जन की परंपरा चली आ रही है। ऐसा कहा जाता है कि समुद्र मंथन के बाद धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए और अमृत पाने के लिए देवताओं और दैत्यों के बीच 12 दिनों तक युद्ध चला। इसी बीच अमृत कलश से कुछ बूंदें छलक गईं और पृथ्वी के 4 स्थानों पर पड़ी, हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन। देवताओं का एक दिन एक वर्ष का होता है, इसीलिए प्रत्येक 12 वर्ष बाद हरिद्वार में एक बार कुंभ का मेला आयोजित किया जाता है। हरिद्वार में जिस स्थान पर अमृत की बूंदें गिरी, वह स्थान ब्रह्मकुंड के नाम से जाना गया और उसी स्थान पर भगवान श्री हरि विष्णु के चरण पड़े थे, जिसके कारण उसको हर की पौड़ी कहा जाता है। इसी स्थान पर विक्रमादित्य ने भाई भर्तृहरि की याद में हर की पौड़ी घाट का निर्माण कराया था। और ऐसा माना जाता है कि यहाँ स्नान करना ईश्वर को प्राप्त करना व अमृत को ग्रहण करने के समान और शुभ माना जाता है। कपिल मुनि ऋषि ने लंबे समय तक हरिद्वार में तपस्या की थी, जिस कारण इसे कपिला स्थान भी कहा जाता है। महाभारत में हरिद्वार को गंगा द्वार कहा गया है और जहां पांडवों ने अपने अज्ञातवास के दौरान हरिद्वार के वन क्षेत्र में आश्रय लिया, उसे प्राचीन इतिहासकारों ने खांडव वन कहा है। इसी वन में धृतराष्ट्र, गांधारी तथा विदुर ने अपना शरीर त्यागा था। यहाँ सप्त सागर नामक एक स्थान है, जहाँ पर गंगा नदी 7 धाराओं में बहती है। इसी के पास सप्तऋषि आश्रम है। ऐसी मान्यता है, जब गंगा नदी बहती हुई आ रही थी, तो यहाँ 7 ऋषि गहन तपस्या में लीन थे। गंगा ने उनकी तपस्या में विघ्न नहीं डाला और स्वयं को 7 हिस्सों में विभाजित कर अपना मार्ग बदल लिया, इसीलिए इसे सप्त धारा भी कहा जाता है। हरिद्वार के कंखल में माता सती के पिता राजा दक्ष की याद में बनवाया गया दक्षेश्वर महादेव मंदिर भी है, जो प्राचीन नगर के दक्षिण में स्थित है। और यहीं पर राजा दक्ष ने वह यज्ञ किया था, जिसमें कूदकर माता सती ने आत्मदाह कर लिया था। इससे शिव के अनुयायी वीरभद्र ने दक्ष का सिर काट दिया था। बाद में शिव ने उन्हें पुनर्जीवित कर दिया और यहीं माता सती का सती कुंड भी स्थित है। हरिद्वार की सबसे अनोखी चीज है शाम को होने वाली गंगा जी की महाआरती और गंगा नदी में बहते हुए सुनहरे दियों का सौंदर्य बेहद आकर्षक और सुंदर लगता है, मानो जैसे पानी में तारे टिमटिमा रहे हों। हर की पौड़ी के पीछे बलवा पर्वत की चोटी पर सर्पों की देवी मनसा देवी का मंदिर है। यह भगवान शिव की पुत्री हैं। देवी मनसा की एक प्रतिमा के 3 मुख और 5 भुजाएं हैं, जबकि अन्य प्रतिमा की 8 भुजाएं हैं। मनसा देवी के मंदिर तक जाने के लिए कई रास्ते बनाए गए हैं, जिसमें गुफा मार्ग, सीढ़ी मार्ग और उड़न खटोला मार्ग है, और जिसके प्रयोग से पर्यटक अपनी सुविधा अनुसार माता के दर्शन के लिए जाते हैं। मनसा देवी के यहाँ भक्तों की हर मुराद पूरी होती है, ऐसी मान्यता है। गंगा नदी के दूसरी ओर नील पर्वत पर चंडी देवी का मंदिर है। इस मंदिर का जीर्णोद्धार कश्मीर के राजा सुचेत सिंह द्वारा 1929 ईस्वी में करवाया गया था। किंवदंतियों के अनुसार चंडी देवी ने सुम्भ निसुम्भ के सेनापति चंद्र और मुंड को यहीं मारा था। 8वीं शताब्दी में यहीं पर आदि शंकराचार्य ने चंडी देवी की मूल प्रतिमा स्थापित करवाई थी। चंडीघाट से 3 किलोमीटर की ट्रैकिंग के बाद यहां पहुंचा जा सकता है।
अब इस मंदिर के लिए रोपवे भी बना दिया गया है। रोपवे के बाद बड़ी संख्या में लोग मंदिर में जाने लगे हैं। दोस्तों आइए अब चर्चा करते हैं हरिद्वार के ऐतिहासिक इतिहास पर। 600 ईसा पूर्व जब महाजनपदों का उदय हो रहा था तब हरिद्वार का क्षेत्र कुरु महाजनपद का एक भाग था। धीरे धीरे मगध महाजनपद साम्राज्य ने विस्तार किया और कौशल, कौशाम्बी, कुरु, पांचाल आदि सभी महाजनपदों पर मौर्य वंश का अधिकार हो गया। मौर्य वंश के बाद क्रमशः सुंग, कुषाण, गुप्त वंश और हर्षवर्धन ने राज किया। हर्षवर्धन के शासनकाल में 634 ईस्वी में भारत आए चीनी यात्री वेनसांग ने इस नगर को मोयूलो अर्थात मयूरपुर कहा। 1399 ईस्वी में तुर्की के राजा तैमूर ने इस क्षेत्र पर आक्रमण किया और उजाड़ दिया। मध्यकालीन समय में अकबर के सेनापति मानसिंह ने हरिद्वार में स्थित हर की पौड़ी घाट का जीर्णोद्धार कराया और प्राचीन नगर के खंडों पर आधुनिक हरिद्वार की नींव रखी। अबुल फजल द्वारा रचित आईन अकबरी में मायापुरी का वर्णन मिलता है और इसमें गंगा के पानी को पवित्र माना गया है। 1815 ईस्वी में गोरखा शासन समाप्त होने के बाद उत्तराखंड के कुमाऊं और गढ़वाल मंडल पर अंग्रेजों का आधिपत्य हो गया था। 28 दिसंबर 1988 को हरिद्वार को सहारनपुर से अलग कर दिया गया और हरिद्वार जिले की स्थापना हुई। तत्पश्चात 9 नवंबर 2000 को नए राज्य उत्तरांचल की गठना की गई। दोस्तों धार्मिक नगरी हरिद्वार से आज की वीडियो में बस इतना ही और ऐसी रोचक तथ्यों की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।